वे कुछ ऐसी नाजुक थी, नाजुक कोमल, कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी, जो इनकी दादी थी, वो क्या कहती थी, हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोछी और छीके पर टांग दी। छीका पता है, पहले जो पुराने घर होते थे उनमें जो है कड़ा होता था, उस कड़े पर जो है, जो आपका रोटी रखने का जो होता है उसको हम बोइया बोलते थे, और वो छीके पर टांगा जाता था रस्सी के साथ बांध कर, क्यों, क्योंकि उसमें कीड़ी वगैरह ना चले, तो इसलिए जो है उसको ऊपर टांगा जाता था। तो इनकी माँ से घर में कोई काम नहीं करवाया जाता था, दूसरा जो है उन्हें किसी कोई काम आता भी नहीं था, और वो इतनी कोमल थी कि सबको डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो इसलिए इनकी दादी जो हमेशा क्या कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांगती, कि हम तो उनसे कोई काम नहीं करवाते। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके से उतारने की पेशकश नहीं की, मतलब घर में किसी और ने भी इस बात का विरोध नहीं किया कि वो कोई काम नहीं करती। तो गनीमत क्या है कि उनको छीके से उतारने का किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी ने भी घर में विरोध नहीं किया उनका। क्यों नहीं की, उसकी दो वजह थी। अब ये बताती है कि क्या कारण थे कि इनकी माँ का विरोध परिवार में किसी ने नहीं किया कि वो कोई काम नहीं करती है, फिर भी उनको पूरा मान सम्मान क्यों दिया जाता था। उसके दो कारण थे, पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। इनके पिता क्या थे, साहब थे, ठीक है, अंग्रेजी ढंग से रहते तो उनका एक रुतबा था, तो इस कारण से इनके जो परिवार वाले थे लेखिका के, वो उनके नाना से काफी प्रभावित थे, उनका जो है एक तरह से रोब मानते थे। इस कारण से उन्होंने कभी भी इनकी माँ को जो है काम करने के लिए नहीं कहा। पहला कारण तो ये रहा, ये दो वजह बताती हैं कि इनकी माँ की जो है किसी ने भी काम करने के लिए क्यों नहीं कहा। उसके दो कारण है, पहला तो इनके नाना जी का प्रभाव, दूसरा कहते हैं और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, बस जात से भी हिंदुस्तानी थे, कि वो सिर्फ कहे हिंदुस्तानी जाते थे लेकिन उनका रहन सहन, यहाँ तक कि उनका पहनावा और उनका जो शक्ल थी वो भी क्या हो चुकी थी, पूरी विलायती हो चुकी थी, अंग्रेजों जैसी हो चुकी थी। बाकी चेहरे देखो, चेहरे के हाव भाव, मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में कैसे थे, वो अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। कहती है कि देखो, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक, उनकी प्रशंसा करने वाले थे, वही उनसे प्रभावित होने वाले थे। एक तरफ तो इनका परिवार क्या था, गांधीवादी विचारों का, क्रांतिकारी था, दूसरी तरफ ये इनके नाना से, उनके अंग्रेजी विलायती रहन सहन से जो है प्रभावित है। तो इसलिए कहती है कि मजे की बात है कि देखो दोनों चीजें साथ हो रही है, क्रांतिकारी भी प्लस वो अंग्रेजों से प्रभावित भी। गांधी आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर कराता रहे, शोहरत की प्रसिद्धि तो जो है उनको मिल गई थी लेकिन जेब क्या थी, खाली, जेब में कुछ नहीं था। दबदबा उनके साहबी ससुर का ही था कि पिताजी को भले ही प्रसिद्धि मिली लेकिन जाना किसके कारण जाता था, इनकी नाना जी के कारण। इनके परिवार को ज्यादा किसके कारण जानते थे, इनके नाना जी के कारण।